हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्ची इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। तो यहाँ पे हमने कच्ची इमली ले ली है, उसे अच्छे से पानी से हम वॉश कर लेंगे और इस तरीके से उसका पतला सा छिलटा निकाल लेंगे। और इसमें हल्के हल्के से बीजे पड़ चुके हैं तो वो बीजे भी निकाल लेंगे और इसके थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलबट्टा ले लिया है, इसमें हम इमली की चटनी पीस लेंगे, काफ़ी अच्छी टेस्टी पीस जाएगी। अगर ये ना हो तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कच्ची इमली ले ली है और एक हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे धो के। आप चाहे तो पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं और इसे इस तरीके से हम अच्छे से पीस लेंगे और थोड़ा सा इसमें जीरा भी मिला दें। अब इस तरीके से कुचलते हुए हमें पीस लेना है। ये इमली की चटनी काफ़ी चटपटी बन के रेडी होती है। आप इसे रोटी के साथ या फिर कोई भी पकौड़ों के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें नमक मिला देते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बन चुकी है तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और गाइस, आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।